हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर हिंदी ज्ञान बोध यूट्यूब चैनल। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब बठिंडा से पीएचडी एडमिशन की नोटिफिकेशन निकली है, जिसमें मल्टीपल सब्जेक्ट हैं। हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखेंगे कि इसकी डिटेल नोटिफिकेशन क्या है और कितने सब्जेक्ट में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको ऐसे ही पीएचडी एडमिशन की नोटिफिकेशन देती रहूँगी जो स्पेशल हिंदी सब्जेक्ट की हैं। तो चलिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। तो ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब बठिंडा की ऑफिशियल वेबसाइट। मैंने इसके फ़ोन के डेस्कटॉप पे खोला हुआ है, तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप क्लिक होकर डायरेक्ट यहाँ इस पेज पर आ सकते हैं। तो चलिए इसकी एडवर्टीजमेंट देखते हैं। एडमिशन 2020-21 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पीएचडी एडमिशन की नोटिफिकेशन आई हुई है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, इसकी पेज ओपन हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, नोटिफिकेशन ऑफ पीएचडी एडमिशन के लिए यहाँ पे लिंक दिए हुए हैं, तो ये इसकी एडवर्टीजमेंट लिंक है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इसका पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसको हम ओपन करके पढ़ेंगे। तो ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब बठिंडा की जो नोटिफिकेशन निकली है पीएचडी के लिए। इसमें वही स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जो जेआरएफ, नेट, गेट, जीपीएटी, डीपीटी, बीईटी, जेईएसटी, फिजिक्स क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, वही अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी है, और ये फॉर्म एप्लीकेशन पोर्टल पे 20 जनवरी को अवेलेबल करा दिया गया है। और ये इसकी वेबसाइट है, आप पूरी डिटेल देख सकते हैं इसकी वेबसाइट पे जाके। तो चलिए इसका प्रोस्पेक्ट ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो इसकी डिटेल नोटिफिकेशन देखोगे, जिसमें कितने सब्जेक्ट में कितनी सीट अवेलेबल है ये आपको यहाँ पर शो होगा। तो चलिए इसको क्लिक करके ओपन करते हैं। ओपन होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की डिटेल नोटिफिकेशन, आप इसको डाउनलोड करके इसके डिटेल नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे कितने सब्जेक्ट में कितनी सीट्स हैं ये अवेलेबल कराया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। एग्री बिजनेस, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, थियोरेटिकल एंड कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, कंप्यूटेशनल फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, माइक्रो बायोलॉजी, फिजिक्स, जियोलॉजी, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट साइंस, जियोलॉजी, जियोग्राफी और ह्यूमन जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर मेडिसिन, फार्मोलॉजी, मास कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, हिंदी। ये देखिए हिंदी, हिंदी के लिए एक सीट अवेलेबल है। वो स्टूडेंट जो 60% मार्क्स हैं इनके मास्टर डिग्री में, वो अप्लाई कर सकते हैं। एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 55% मार्क्स चाहिए मास्टर डिग्री में। पंजाबी, लॉ, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ये टोटल 30 सब्जेक्ट हैं जिसमें ये इतने सारे सीट अवेलेबल हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो चलिए इसके आगे की डिटेल पढ़ते हैं। यूजीसी, जेआरएफ, आईसीएमआर, डीबीटी, जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट, फिक्स वेटेज फॉर जेआरएफ क्वालिफिकेशन 70 मार्क्स की होगी, उनकी इंटरव्यू 30 मार्क्स का। ये सब आप डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा खुद से, मैं वीडियो इतना लंबा नहीं करना चाहती हूँ। तो कैसे आपने अप्लाई करना है ये देख लीजिए यहाँ पे, ये सारा आपने पढ़ लेना है। ये इम्पोर्टेंस डेट है जिसको आपने यहाँ पे देख लेना है, कवर कर लेना है। और ये नीचे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, जिनको आपने रीड आउट कर लेना है, जैसे मैंने आपको ओपन करके दिखाया। इसके फीस स्ट्रक्चर है, ये हॉस्टल का है, ये सारी डिटेल नोटिफिकेशन है जिनको आपने अपने आप से डाउनलोड करके पढ़ लेना है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए जॉब अपडेट को लेकर।
थैंक यू।